हेलो स्टूडेंट, पर्यावरण पार्ट टू में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने जो बताया था, शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया है या उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमको लिखकर भेज सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण के आगे के पार्ट, ये पार्ट टू है हमारा। इसमें हम पर्यावरण का चक्र समझाएँगे आपको। देखिए, पर्यावरण क्या है? एक सर्कुलेशन है, इन्वायरमेंट की सर्कुलेशन है। हम देखिए, सारी चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं? वायुमंडल से। सारी चीज़ें हम वायुमंडल से लेते हैं नेचुरली। वायुमंडल से चीज़ें हमको कहाँ पर मिलती हैं? जैव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। और दोबारा ये रिवर्सन के रूप में ये दोबारा वायुमंडल में चली जाती हैं। अब ये कैसे होता है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा हमको। कैसे? जैसे आप जानते हैं वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है? कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखते हैं जैव मंडल। जैव मंडल में हमने पहले से आपको बता रखा है कि जैव मंडल है क्या। जैव मंडल में सारे वनस्पति, जीव जंतु होते हैं। और दूसरी चीज़ है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल में आपके पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपके आते हैं जल मंडल। जल मंडल में आपका क्या आता है? झीलें आती हैं, नदियाँ आती हैं, और सबसे बड़ा क्षेत्र आता है आपका समुद्र का, ग्लेशियर का, और भूमिगत जल और सतही जल। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं जल मंडल में। अब ये देखिए, डिपेंडेंसी कैसे होती है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, हम सारी चीज़ें वायुमंडल से ले रहे हैं। जीवों ने ली, ऑक्सीजन ली, स्थल मंडल पर ऑक्सीजन आई, जल मंडल पर ऑक्सीजन आई। जब ये चीज़ें विघटित होती हैं, जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो वो चीज़ें दोबारा वायुमंडल में चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके समझना होगा। अब जैव मंडल जो सबसे मुख्य चीज़ होती है, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल जहाँ पर सारे जीव जंतु अजैविक तत्वों से, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल के साथ अभिक्रिया करते हैं और वो उन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल हमारी जो पृथ्वी में है, स्थल मंडल कितना है? 29%। यानी कि 29% हमारा क्या है? स्थल है। और जल मंडल कितना है हमारा? 71%। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में आप देखेंगे जल का क्षेत्र ज़्यादा है, स्थल का क्षेत्र कम है। और हमारा जो जैव मंडल है, ये दोनों जगह आपको मिलेगा, या तीनों जगह भी कह सकते हैं, वायुमंडल भी हम कह सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको जैव मंडल वहाँ पर भी मिलता है। अब होता क्या है, इसका सर्कुलेशन समझने की बात है, ठीक है। जैसे वायुमंडल के चक्र में, पर्यावरण के जो चक्र होता है उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं, और वही चीज़ चक्र के रूप में दोबारा वायुमंडल में पहुंच जाती है, ठीक है। जितनी भी जीव जंतु अभिक्रियाएं करते हैं, श्वसन लेते हैं, रेस्पिरेटर सिस्टम करते हैं, या पौधे जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाते हैं, वो सब किस पर निर्भर है? वायुमंडल में। लेकिन उनको आधार कौन प्रदान कर रहा है? स्थल मंडल और जल मंडल। अगर हम इन तीनों का अगर हम संयोग देखें, अगर हम इन तीनों का संयोग देखें, अगर इन तीनों का संयोग सही तरीके से नहीं होगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा आपका? जैव मंडल पर। जैसे इसका हम उदाहरण आपको बता दें, मान लीजिए स्थल मंडल है। स्थल मंडल में हम क्या बताएं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्थल मंडल में जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ रही है, तो क्या होगा? इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जैव मंडल पे। जल मंडल में जैसे दूषित हो रहा है जल, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जैव मंडल पर। वायुमंडल में गैसों का अनुपात बिगड़ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं हम लोग जैविक ईंधन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जैविक ईंधन का प्रयोग करने से कई ऐसी गैसें उत्सर्जित होती हैं जो हमारे जैव मंडल को प्रभावित करती हैं। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन हमारी मेन निर्भरता कहाँ पर है? वायुमंडल से। सारी चीज़ें निर्भर किस पे हैं? वायुमंडल पर। उसी प्रकार से जैव मंडल किस पे निर्भर है? वायुमंडल पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जैव मंडल में आप डाल सकते हैं जो मैंने पहले टॉपिक में आपको पढ़ा दिया था, इसमें जीव जंतु और वनस्पति को डाल सकते हैं। स्थल मंडल आपके पर्वत, पठार, मैदान है, या मृदा आप कह सकते हैं, और जल मंडल आपका समुद्र, झीलों और सतही जल के अंतर्गत आपका आता है। तो ये
ये आपका पर्यावरण चक्र है। देखते हैं कि पर्यावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। देखिए पर्यावरण को जो तत्व प्रभावित करते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्राकृतिक कारक भी होते हैं ले और मानव निर्मित भी कारक होते हैं। लेकिन प्राकृतिक कारकों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो एक सीमित समय के लिए होता है। जैसे आंधी आई, चक्रवात आया, चला गया, ज्वालामुखी को उद्गार हुआ, फिर कुछ समय के बाद होगा, सुनामी आई चली गई, बाढ़ आई चली गई एक सीजन में। दूसरा कारक होता है मानव निर्मित कारक। इसमें क्या होता है, निर्माणकार, जैविक ईंधन और पशु मवेशी। जो निर्माण, जो मानव निर्मित कारक होते हैं उनका जो प्रभाव होता है हमारे एनवायरनमेंट पर वो दूरगामी होता है, ठीक है। इनका जो हम ब्रीफ डिटेल है वो आपको जब हमारा प्रदूषण का टॉपिक चलेगा उसमें हम आपको इसमें ब्रीफ डिटेल बताएंगे। अभी हमें इसको पर्यावरण को प्रभावित कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और आप हमारे साथ बने रहिए, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे भी हम आपको बहुत ही अच्छे वीडियो देंगे और भी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बेसिक चीज़ में दिक्कत होती है। एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसका बेसिक हमको क्लियर करना अति आवश्यक है। अगर बेसिक हमारा क्लियर नहीं होता है, किसी चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं इसके प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में हम क्या देख सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया। ये क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखी कैसे करते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लावा निकलता है, ठीक है। तो जो लावा निकलता है वो आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसको प्रभावित करता है, आसपास के जितना भी पर्यावरण है उसको जला देगा, राख कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा राख निकलती है और वो हमारे वायुमंडल में छा जाती है। दूसरी चीज़, जो जल क्षेत्र है वहाँ पर एक परत बना देती है, तो उससे क्या होता है वहाँ के जितने भी जीव जंतु होंगे वो प्रभावित होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ज्वालामुखी के कारण पर्यावरण को नुकसान भी है तो दूसरी तरफ फ़ायदा भी है। कैसे है, क्योंकि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे जो भी तत्व निकलते हैं वो कुछ समय के बाद एनवायरनमेंट को शुरुआत में तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो फ़ायदा भी देते हैं। कैसे, उस वो आसपास की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ भी हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे जो प्राकृतिक कारक हैं जैसे ज्वालामुखी है वो ज़्यादा दूरगामी प्रभाव नहीं डालते हैं, अगर वो नुकसान कर रहे हैं तो एक तरफ फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते। दूसरा है भूकंप। जब भूकंप आता है तो आप जानते हैं भूकंप का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर अचानक असंतुलन उत्पन्न हो जाना, वो कई कारणों से होता है। भूकंप के कई कारण भी होते हैं, मानव निर्मित कारण भी होते हैं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं। जैसे भूकंप का हम प्राकृतिक कारण बता सकते हैं आपको, जैसे प्लेट टेक्टोनिक। आपको मालूम है सारी प्लेटें अलग अलग हैं, जितने भी महाद्वीप हैं वो अलग अलग प्लेटों में हैं और उन प्लेटों में निर्माण कार्य चलता रहता है, ठीक है, और जिसके कारण हलचल उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। अब इसमें हम मानव निर्मित कारक भी हो सकते हैं। मानव निर्मित कारक जैसे हो सकते हैं अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, ठीक है, यानी कि जैसे डैम बना देना या एक जगह पर ज़्यादा बसावट हो जाना या खनन कार्य करना। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है, होता क्या है कि हम एक जगह की चीज़ को निकाल कर दूसरी जगह स्थापित करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे डैम बना देना, डैम बनाने से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हम जहाँ पर खड़े हैं तो एक प्रेशर है, ठीक है, और अगर हम इस प्रेशर को बढ़ा देंगे तो एक हर चीज़ की एक क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी ये मोबाइल है, इस मोबाइल की क्षमता है कि इस पर हम कुछ चीज़ रख सकते हैं, लाइट वेट का कुछ रख सकते हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा वेट की चीज़ रखेंगे तो ये मोबाइल की स्क्रीन क्रैक हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की सतह है, इसका भी एक संतुलन बना हुआ है, इस पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और विश्व में आप अभी भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर कारण मानव निर्मित हो रहे हैं आजकल। पहले जो भूकंप आते थे उनमें काफ़ी समय लगता था, जो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो अभी इस समय जो भूकंप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं भारत के कई क्षेत्रों में अभी कुछ ही दिन पहले तक भूकंप आते रहे हैं, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश
और आपका हिमालय का क्षेत्र उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं अचानक भूकंप आते रहते हैं। उसका मुख्य कारण है एक जगह बसावट का संकेंद्रित होना, डैम बनाना और जो निर्माण कार्य होना वो अवैज्ञानिक रूप से निर्माण कार्य होना, ठीक है। दूसरा है सुनामी। सुनामी का मतलब आप जानते हैं, सुनामी एक जापानी शब्द है, ठीक है, ये जापान से आया है हुआ है। और इसमें सुनामी होता क्या है, जब समुद्र की सतह पर कोई भूकंप आए या ज्वालामुखी विस्फोट हो या वहाँ पर सतह पर किसी भी प्रकार की हलचल जब होती है तो क्या होता है, सतह पर लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें जहाँ से उत्पन्न होंगी वहाँ तो छोटी होती हैं, लेकिन जैसे ये तट के किनारे तक जाती हैं इनका साइज बढ़ जाता है और जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। लेकिन इससे एक चीज़ और होती है, एक चीज़ ये होती है कि अगर उसके आसपास मैंग्रोव वन है, वनस्पति है, तो इसका प्रभाव को कम किया जा सकता है। और ये नेचुरल फैक्टर हैं, इनका जो प्रभाव होगा एक समय के लिए होगा, एक सीमित समय के लिए होगा। लेकिन वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कई ऐसे तट हैं वहाँ पर डे सुनामी आती रहती हैं, जैसे जापानी तट वहाँ पर आप देखेंगे डे सुनामी, हल्की फुल्की लहरें आती रहती हैं, ठीक है। दूसरा है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है पहाड़ों का, चट्टानों का खिसकना। ये ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। फिर आता है आपका चक्रवात। चक्रवात का मतलब होता है जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं तो चक्रवात आता है। और चक्रवातों की उत्पत्ति ज़्यादातर समुद्र में होती है, जब जैसे ही स्थल की तरफ बढ़ते हैं इनका प्रभाव कम होने लगता है। फिर है आपका बाढ़। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जब बाढ़ आता है, जब एक सीज़न में आप देखेंगे भारत एक मानसूनी क्षेत्र है, यहाँ पर जितनी भी बारिश होती है मानसून से होती है और भारत की ज़्यादातर नदियाँ मानसूनी हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो एक सीज़न में बाढ़ आती है जिससे काफ़ी ज़्यादा जन धन की और इन्वायरमेंट की हानि होती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लाभ भी होते हैं, ठीक है। बाढ़ के भी लाभ होते हैं, जैसे आप जानते हैं जब बाढ़ आती है जिस क्षेत्र में वहाँ पर नई मिट्टी भी आती है और नई मिट्टी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आप देखेंगे भारत में जितने भी बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र ले लें, सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत में जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है। और इसमें अगर नंबर वन पर लें तो भारत का उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखते हैं जो बाढ़ का प्रभाव है एक सीज़न में काफ़ी रहता है, लेकिन वो क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी माना जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार की जाती है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक फैक्टर है और इनका प्रभाव ज़्यादा दूरगामी नहीं होता है। फिर आते हैं मानव निर्मित कारक। मानव निर्मित कारक ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव दूरगामी होता है और ये हमेशा चलते रहते हैं, ये ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे निर्माण कार्य, ऐसा तो नहीं कि इंसान किसी एक सीज़न में निर्माण कार्य करे और अगले सीज़न में रोक दे, ऐसा तो नहीं है। निर्माण कार्य चल रहा है और वो हमेशा चलता रहता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो निर्माण कार्य होता है वो अवैज्ञानिक होता है, यानी कि ये नहीं देखा जाता कि हम जहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं वो ज़मीन या वो क्षेत्र कितना उपजाऊ है या फिर वहाँ पर कितनी सारी वनस्पतियाँ लगी हैं, जीव जंतु रहते हैं, और जिसका अगर हम उसको उजाड़ देंगे तो उसका प्रभाव एनवायरनमेंट पर कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो निर्माण कार्य सबसे मुख्य कारण है। आप देखेंगे भारत में जितना भी निर्माण कार्य होता है उसका कोई दिशा या निर्देश नहीं होता है, वो एक अनिश्चित टाइप का होता है, जहाँ मन चाहा वहाँ पर निर्माण कार्य कर दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है जैविक ईंधन। जैविक ईंधन शायद कुछ लोग जानते हो या नहीं जानते हो, तो अभी मैं बता देता हूँ। जैविक ईंधन ऐसे होते हैं जो जीवों से प्राप्त करे जाते हैं, जीवों और वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैविक ईंधन में जैसे आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सारे आपके जैविक ईंधन के तहत आते हैं। जब इनका हम दहन करते हैं तो काफ़ी तीव्र मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे CO2 का अगर स्तर बढ़ता है तो क्या होगा, CO2 का स्तर बढ़ने से क्या होगा कि वो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण होता है, उससे क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दें, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर CO2 का काफ़ी तेज़ी से उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या होगा, CO2 एक भारी गैस होती है और भारी गैस होने के कारण ये क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेती है।
जब पृथ्वी के चारों ओर यह आवरण बना लेती तो होता क्या है, जो सूरज से जो किरणें आती हैं, सूरज से जो किरणें आएंगी वो अंदर ही फंस के रह जाती हैं, और ज़्यादातर जब ये परावर्तित होने के लिए वापस जाती हैं तो इनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो यानी कि यहाँ की स्थिति कैसी हो जाती है कि प्रेशर कुकर की तरह, और जिसके कारण आप देख रहे हैं पृथ्वी का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ रहा है, और जिसकी कई सारी समस्याएं आपको दिख रही होंगी, या आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते होंगे तो काफ़ी सारी समस्या हमको देखने को मिलती हैं। इसका हम जो ब्रीफ नॉलेज है, जब हम आपको प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे तब उसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग जब हम पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको डिटेल देंगे। अभी आप इसमें पर्यावरण के हिसाब से इसको समझिए कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। आप देखेंगे यही स्थिति हमारी कैसे किस ग्रह पर है, शुक्र पर। आप देखते हैं सूरज के सबसे करीब बुध ग्रह है, तो दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में पाया जाता है, शुक्र में। उसका मुख्य कारण है CO2 का ज़्यादा होना, और CO2 का ज़्यादा होने के कारण शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वही स्थिति हमारे पृथ्वी पर भी हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, मानव के क्रियाकलाप, क्योंकि मानव एक सोच रखता है, मानव ये चाहता है, हमारे यहाँ जो विकास होता है, पूरे वर्ल्ड में भी जो विकास हो रहा है वो किसी को जीत के किया जाता है, यानी कि ये लोग एनवायरनमेंट को जीतना चाहते हैं, प्रकृति को जीतना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को जीत के नहीं, प्रकृति के साथ चलकर हमको विकास करना चाहिए। और ये जीतने की जो लालसा है वो लालच में बदल रही है, और जिसके कारण इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट को पड़ रहा है, यानी कि हम उस डाल पर खड़े हैं और उसी डाल को हम काट रहे हैं। ये है हमारा विकास, ये है हमारे वर्तमान का विकास। तो एनवायरनमेंट को हमको बचाना है, आम जन को बचाना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। इसी वजह से आप देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BA का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर जगह वहाँ पर एनवायरनमेंट का एक टॉपिक ज़रूर होता है। इसी वजह से एनवायरनमेंट इतना ही आज हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो गया है, हर किसी को समझने के लिए ज़रूरत है। आप देख सकते हैं 17 साल की लड़की जो थनवर्ड है, उसने देखिए कितना अच्छा बताया एनवायरनमेंट के बारे में। तो यानी कि जागरूकता फैल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिविस्ट बन रहे हैं एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट की जागरूकता फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सब किसके कारण हो रही है, मानव के कारण, ठीक है, मानव के अंधाधुंध विकास के कारण। दूसरा है पशु और मवेशी। आप देख रहे हैं कृषि के साथ, हमारी कृषि सिर्फ फसल उगाने से संबंधित नहीं है, जब हम कृषि कार्य करते हैं तो उसमें पशु या मवेशी को भी शामिल किया जाता है, और भारत में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मवेशी हैं, और क्योंकि ये किसानों के कमाई का दूसरा भी साधन है। तो पशुओं के माध्यम से कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे नुकसान पहुंचता है, पशुओं के माध्यम से तो नहीं पहुंचना चाहिए। आप जानते हैं जहां पर पशु होते हैं वहां पर वनस्पति पनप नहीं पाती। दूसरी चीज़, पशुओं के जो खुर होते हैं वो ज़मीन को बंजर कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें टकराव भी उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ रिजर्व क्षेत्र हैं उनके आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखते हैं जंगली जानवर पशुओं को, जो मवेशी हैं उन पर हमला करते हैं, और जिसके कारण जानवरों और इंसानों के बीच का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं केरल की कहानी, जिसमें एक मादा एलिफेंट को अनानास में बम खिला दिया गया था जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो ये एक दिखाता है कि मानव किस प्रकार से पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक कारक है और ये मानव निर्मित कारक है। आप ये बस एक चीज़ समझिए इसमें कि जो प्राकृतिक कारक हैं उनका प्रभाव दूरगामी नहीं है और इनका समय एक निश्चित होता है, जबकि मानव निर्मित जो कारक होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो दूरगामी होता है, और इनसे क्या होता है, इनका जो साइकिल है वो चलती रहती है, हमेशा ब्रेक नहीं होने देते, क्योंकि मानव है तो सबको प्रोग्रेस करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग इस क्लास में हैं, आप लोग किसके लिए, जॉब के लिए, आप लोग सोच रहे हैं अच्छी जॉब मिलेगी हमको, फिर क्या करेंगे, जॉब के बाद मकान बनाएंगे, ठीक है। तो आप मकान कहाँ बनाएंगे, हम लोग ये तो नहीं सोचते कि वो मकान हम एक ऐसी ज़मीन पर बना रहे हैं जहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, तभी हम अपने पर्यावरण और एनवायरनमेंट को बता सकें, इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जो भी कन्फ्यूज़न है आप
तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था पर्यावरण का। आगे हम नेक्स्ट आपको टॉपिक और नए नए टॉपिक भी लाएंगे और करंट के भी टॉपिक लाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, धन्यवाद।